दोस्तों अगर आपके पास बहुत सारे कमेंट आते हैं तो आपने देखा होगा उनमें से बहुत सारे ऐसे कमेंट्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं, वो डिलीट नहीं होते हैं, वो चले जाते हैं स्पैम के अंदर। इसके रिगार्डिंग मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर पूरा प्रॉपर मैंने स्पैम कमेंट्स के बारे में बताया हुआ है, कैसे अपन को चेक कर सकते हैं, कैसे अपन को डिलीट कर सकते हैं, कैसे जो है आप उनको पब्लिक कर सकते हैं। लेकिन वो मैंने सारा प्रोसेस बताया हुआ है क्लासिक स्टूडियो के अंदर। आज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब स्टूडियो बीटा के अंदर कैसे जो है आप कमेंट्स को चेक करते हैं, कैसे जो है आप स्पैम कमेंट्स को पब्लिक कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पे जो जो फीचर नए नए आपको YouTube Studio Beta के अंदर मिलते हैं कमेंट वाले फीचर के अंदर, तो उनके बारे में भी यहाँ पे पूरा प्रॉपर मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप सभी के कमेंट रिप्लाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं अपनी ऑडियंस के साथ अच्छे से कनेक्ट करना, तो आप इस वीडियो को प्रॉपर देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी जो है आपको समझ आ पाएगा और उतने ही अच्छे तरीके से जो है आप अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आ चुका हूँ YouTube Studio Beta के अंदर और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपको कौन से फीचर मिलते हैं कमेंट्स के अंदर, कैसे जो है आप रिव्यू कर सकते हैं कमेंट्स को जो कि हेल्ड होते हैं, और स्पैम कमेंट्स को आप कैसे चेक कर सकते हैं। YouTube Studio Beta के अंदर सारी जानकारी यहाँ पे प्रॉपर आपको मिलने वाली है। वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा तभी जो है आपको सारी चीज समझ आ पाएगी। तो कमेंट्स चेक करने के लिए सबसे पहले तो लेफ्ट साइड के अंदर आपको ऑप्शन मिलती है कमेंट्स की, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे कमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले जो है आपको तीन ऑप्शंस देखने को मिलती है, पहली मिलती है पब्लिक की, दूसरी मिलती है आपको यहाँ पे हेल्प फॉर रिव्यू, उसके बाद लाइकली स्पैम कमेंट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और कितने कमेंट्स जो है रिव्यू के लिए आपके पास पड़े हैं और स्पैम कितने पड़े हैं उनके नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि रिव्यू के लिए मेरे पास एक कमेंट पड़ा है और स्पैम के अंदर जो है मेरे पास 11 कमेंट पड़े हुए हैं, तो इनको मैं डिलीट कर सकता हूँ और रिव्यू भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले पब्लिक के अंदर आपके सारे कमेंट्स पब्लिक जो भी पब्लिक कमेंट होंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और खास फीचर आपको देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे फिल्टर का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिल्टर वाली ऑप्शन के अंदर, आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं जो क्वेश्चंस कंटिन्यूस पूछे जाते हैं उनके ऊपर आप चेक कर सकते हैं। और सबसे पहले नीचे वाली ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पे रिस्पॉन्स स्टेटस, तो यहां पे आपने जिन कमेंट्स को रिस्पॉन्ड कर दिया है आप उनको फिल्टर कर सकते हैं, जिनको आपने रिस्पॉन्स नहीं किया है उनको आप फिल्टर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं कि जो कमेंट्स जो है मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किए हैं वो कमेंट यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स को जो है मैंने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया हुआ है, तो इससे जो है आप बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रेगुलरली मेरी तरह कमेंट्स की रिप्लाई करते हैं तो ये काफ़ी एक अच्छा फीचर है। ऐसे ही और भी बहुत सारे फीचर आपको देखने को मिलते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हेल्प फॉर रिव्यू, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ कमेंट्स जो है रिव्यू के लिए पड़े रहते हैं, तो वो भी यहाँ पे जो है आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एक कमेंट्स यहाँ पे नीचे वाला है सब्सक्राइब नाउ प्लीज, तो ऐसे कमेंट्स जो लोग करते हैं सब्सक्राइब लिखते हैं या फिर सब फॉर सब लिखते हैं तो उनके कमेंट रिव्यू के अंदर चले जाते हैं या फिर डायरेक्टली स्पैम के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने इस कमेंट को जो है वेरीफाई कर दिया, ये कमेंट जो है अब पब्लिक हो चुका है। अब यहाँ पे स्पैम वाले के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 11 कमेंट पड़े हुए हैं, तो इनको भी जो है यहाँ पे आप बारी बारी रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से अगर आप क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएंगे और ये कमेंट चले जाएंगे पब्लिक के अंदर। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक के ऊपर जाके जो है आप इन कमेंट्स का रिप्लाई कर सकते हैं। तो मैं मैक्सिमम सभी कमेंट्स को जो है वेरीफाई कर देता हूँ सिवाय उनके जिनके ऊपर कोई लिंक होता है, क्योंकि लिंक की वजह से हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो लिंक जो भी बेकार वाले लिंक होते हैं जो कि थर्ड पार्टी लिंक्स होते हैं उनको आपको वेरीफाई नहीं करना चाहिए, उनको आप डायरेक्टली जो है डिलीट कर दें तो ही ज़्यादा अच्छा रहता है। अब ये जो है तीन चार फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पब्लिक के अंदर जाएंगे आपको इनको रिस्पॉन्ड करना है, जितने भी आपने कमेंट्स को वेरीफाई किया तो यहाँ पे जो है कमेंट्स आई हैव नॉट रिस्पॉन्ड इस फिल्टर को आप यहाँ पे लगा लीजिए। उसके बाद जितने भी आपने कमेंट्स का रिप्लाई नहीं किया है वो सारे जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप कमेंट्स को चेक कर सकते हैं और रेगुलरली मेरी तरह जो है आप सभी कमेंट्स के रिप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से वीडियो समझ आ चुका है कैसे जो है आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई कर सकते हैं, रिव्यू के अंदर जो कमेंट जाते हैं उनको कैसे आप रिव्यू कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, स्पैम वाले कमेंट्स को कैसे जो है आप चेक करके पब्लिक कर सकते हैं और डिलीट कैसे कर सकते हैं, इसके साथ ही जो जो फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं उनके साथ आप और अच्छे तरीके से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के साथ, तो ये सारी चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी। अगर आपका कोई सवाल रहता है या फिर YouTube स्टूडियो के बारे में आप कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर से बताइए, मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, सभी कमेंट्स के मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे लाइक करके बता सकते हैं, इसके साथ ही आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ
और अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के ऊपर ऐसी वीडियो कंटिन्यू आती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।